Hey friends, welcome back to my channel Versatile Roche. और जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी सेकेंड इनकम फ्रॉम YouTube. और कुछ टाइम पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था कि आप मेरे चैनल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछो, उसका मैं आंसर करूंगी इस वीडियो में. और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी मैंने यही चीज पोस्ट की थी. तो जो जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं उनका मैं आज इस वीडियो में आगे आंसर करने वाली हूँ और साथ ही अपनी सेकेंड इनकम आपके साथ शेयर करूंगी. तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. लेट्स. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है सिद्धि का. वो मुझसे पूछती है कि जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तो उसके 3 दिन बाद कितने सब्सक्राइबर हुए थे, टेल मी. तो सिद्धि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2016 में, मैंने ऐसे ही चैनल स्टार्ट कर दिया था. मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि मुझे अर्निंग करनी है ऐसा कुछ. मैंने पहली वीडियो अपलोड की, उसके बाद स्टार्टिंग में मुझे सब्सक्राइबर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे बढ़ाना है. तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको तो मैंने बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो. अपने रिलेटिव्स को और अपने घर वालों के फ़ोन से मैंने खुद ही अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया था, जैसे मम्मी पापा भाई बहन इनके फ़ोन से. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. 3 दिन तक मेरे 17 सब्सक्राइबर ही थे. तो दोस्तों जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्ने और स्कार्स रिगार्डिंग है, जबकि मैंने बोला था कि आप यूट्यूब रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. राजेश ने पूछा है, दी प्लीज एक और वीडियो डिटेल में एक्ने मार्क्स और स्कार्स के बारे में बनाओ. और तरीन ने पूछा है, एक क्रीम का नाम बोलिए ना जो क्रीम यूज करने से मेरे एक्ने स्पॉट रिमूव हो जाएंगे. तो राजेश और तरीन, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. बाकी जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो पूरी तरीके से फेड नहीं होते हैं. जैसे आप मेरे देखोगे, अभी दिख नहीं रहे, इधर साइड देखो, ये अभी अभी ये सारे पिंपल्स हुए हैं और अभी जो स्कार्स हैं वो दोबारा से हो गए हैं. बट इधर साइड अभी मेरा कोई पिंपल नहीं हुआ, तो स्कार्स भी इतने नहीं हैं. पर जो क्रीम मुझे लगता नहीं है कोई इफेक्टिव है, बट मुझे कोकोनट ऑयल सच में लगता है कि उससे जो स्कार्स है वो फेड होते हैं. नारियल का तेल आप ज़्यादा लो और टी ट्री ऑयल जो है वो थोड़ा कम लो, दोनों को डाइल्यूट करके. और आप अपने फेस पे ऐसे ऊपर की साइड आप सर्कुलर मोशन में मसाज करिए, तो आपकी जो स्कार्स है वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगे. बाकी आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्कार्स फेड होते हैं. बाकी इस पे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि अभी मेरा क्या रूटीन है और क्या क्या मैं डाइट फॉलो करती हूँ. तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और वो पूछा है चंचल ने. ये कहती हैं, हेलो मैम. हेलो चंचल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी 0 से 100 सब्सक्राइबर तक की जर्नी कैसी थी. तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इनका, तो पहले मैं आधा आधा करके उसका आंसर कर देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी. 0 से 100 सब्सक्राइबर तक की जर्नी कैसी थी, तो इसका आंसर ये है कि 0 से 100 तक की जो जर्नी थी वो सच में बहुत टफ थी. स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर गेन करना बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होता है, क्योंकि आपको कोई इतना जानता नहीं है, आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है, आपकी जो ऑडियंस है उन तक रीच नहीं हो पाती आपकी वीडियो की. स्टार्टिंग में आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं. और मेरे केस में, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, मैं उनसे भी अपना चैनल सब्सक्राइब करा देती थी. तो ऐसे ही करके जो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल होता है. तो बस चंचल, ये थी मेरी 0 से 100 सब्सक्राइबर की जर्नी. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपने आगे भी पूछा है कि आपने अपने चैनल की वीडियो शेयर करी थी ? प्लीज़ ज़रूर बताना, मैंने आपका चैनल जब 200 सब्सक्राइबर थे तब सब्सक्राइब किया था. तो थैंक यू उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए. तो चंचल, इसका आंसर है कि हाँ, मैंने बहुत शेयर करी अपनी वीडियो. मैंने अपनी मतलब मम्मी पापा के फ़ोन के थ्रू, अपने दोस्तों के फ़ोन के थ्रू, और ख़ुद तो मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो बहुत शेयर किया. और साथ ही स्टार्टिंग में मैंने 300-400 समथिंग इन्वेस्ट भी किए, मतलब 100-100 रुपीज़ करके गूगल एडवर्ड्स से अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए. मेरी एक वीडियो थी वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन वाली, तो उस पर मैंने इसे प्रमोट किया था, तो थोड़े व्यूज आ गए थे उसमें. तो बस चंचल, मैंने बहुत वीडियो मतलब अपनी शेयर की. मुझे अपने रिलेटिव्स पे भी भरोसा नहीं होता था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे. तो जो मेरे खास खास रिलेटिव्स हैं उनका फोन पकड़ के मैं खुद ही अपना चैनल सब्सक्राइब कर देती थी और बेल आइकन भी प्रेस कर देती थी. समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। तो ये था मेरा स्ट्रगल स्टार्टिंग का। आगे चंचल ने लिखा है, रियली यू आर सो ऑसम एंड यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो थैंक यू चंचल, आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी हो जाए, बट बहुत टाइम लगेगा, अभी तो मेरे 6000 अराउंड हो गए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आशुतोष थापा का, इन्होंने पूछा है, आई वॉन्ट टू आस्क दैट आपने यूट्यूब रिकॉर्डिंग की शुरुआत किस फोन के साथ करी, और आगे भी पूछा है, तो पहले मैं इसका आंसर कर देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास फ़ोन था वो था माइक्रोमैक्स का, और उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, आप स्टार्टिंग के मेरे वीडियो देख सकते हो। और जो ऐप उस टाइम पे मैं यूज़ करती थी वो था एक्शन डायरेक्टर। तो स्टार्टिंग के वीडियो में आपने वाटरमार्क भी देखा होगा एक्शन डायरेक्टर का। फिर उसके बाद मैंने लिया रियलमी 5 प्रो, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, बैक कैमरे की अच्छी थी, फ्रंट की इतनी अच्छी नहीं थी। तो बस आशुतोष, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि स्टार्टिंग में मैं माइक्रोमैक्स का फ़ोन यूज़ करती थी, फिर उसके बाद मैंने किया यूज़ रियलमी 5 प्रो का। और आगे आपने लिखा है कि और अब आप कौन से फोन से वीडियो शूट करते हो, तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप देख रहे हो, ये मैंने किया है, मेरा अभी जो फोन है वो है OnePlus 7T Pro, और इस पे मैंने एक पोस्ट भी डाला था जब मैंने ये नया खरीदा था, 44,000 का ये फोन मैंने परचेस किया था। नेक्स्ट आपने पूछा है DSLR कब ले रहे हो आप ? तो DSLR लेने का सच में मुझे बहुत मन है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली पे ले लूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आईफोन लूँ या DSLR लूँ, दोनों में से एक ही चीज़ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। घर वालों से मैं पैसे नहीं लेती हूँ, मैंने YouTube से ही पैसे जो भी हैं वो सेविंग की है, और उसी से मैं दिवाली में मे बी आईफोन या DSLR ले लूँगी। DSLR मुझे लग रहा है मैं लूँ कैनन 200D Mark II। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं आईफोन लूँ या DSLR लूँ, और लूँ तो कौन सा लूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है निकुंज थापा ने, और इन्होंने लिखा है, हमें भी कुछ आइडियाज दो ताकि हम भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सके, वीडियो में एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं। तो निकुंज, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि जो YouTube चैनल स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, आपको बस आपके पास एक फोन होना चाहिए जिसका ठीक ठाक कैमरा हो, और आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है और अपलोड करनी है। मैटर क्या करता है कि आपकी रेगुलरिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि आपने चैनल स्टार्ट किया, आपने 3 महीने वीडियो डाली और फिर बस आप परेशान हो गए, आप उब गए अपने काम से और फिर आपने छोड़ दिया। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको किस टाइप की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी है। आप यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप वो टॉपिक चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे व्लॉग है, घूमना हर किसी को पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान घूम ही जाता है तो वो उस पर भी वीडियो डाल देता है। तो आपका किस में इंटरेस्ट है आप उस पर वीडियो डालो ताकि आप उबो नहीं। तो अब आपने वीडियो बना ली अपने इंटरेस्ट की, अब आपको उसे एडिट करना है, तो आप इसके लिए काइनमास्टर यूज कर सकते हो, और थंबनेल के लिए आप पिक्सआर्ट यूज कर सकते हो। तो अभी भी आप देखोगे मेरे 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं अभी भी अपने फोन में ही एडिटिंग करती हूँ, मैं लैपटॉप यूज नहीं करती हूँ। तो बस निकुंज, ये था आंसर आपके क्वेश्चन का। बट आपने आगे और पूछा है कि वीडियोज में एडवर्टीजमेंट कैसे आते हैं। तो पहले तो ऐसे आते थे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आर पूरे करने होते थे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था, फिर आपके चैनल पे ऐड आते थे और आपकी अर्निंग स्टार्ट होती थी। बट अब क्या है, जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं भी हुए हैं तो भी उनके जो चैनल है उन पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, बट उनको कोई अर्निंग नहीं होती है। और इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, माय फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूट्यूब। उसमें मैंने बहुत डिटेल से हर एक चीज़ बताई है यूट्यूब के बारे में, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन थे यूट्यूब पोस्ट पे मेरे जो मुझे मिले थे और उनके सारे आंसर थे। और जो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी उस पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था अम्मू धस्माना ने कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊं। तो इसका आंसर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, अपना स्टेटस लगाओ, उनके फ़ोन से शेयर करो उनके फेसबुक पे, और अपने आप फेसबुक में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन करो, पेड प्रमोशन भी कर सकते हो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी अगर आपका बजट है तो उससे क्या होगा, आपकी वीडियो की जो रीच है वो बढ़ेगी, जिससे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो यूट्यूब उन्हें प्रमोट करता है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी
बेस्ट फेस वॉश फॉर एक्ने प्रोन स्किन, तो उसमें मेरे 7000 व्यूज होने वाले हैं। वो एकदम से मतलब उसमें व्यूज का ग्राफ ऐसे गया, मतलब बढ़ गए। और मैंने उसमें देखा है कि उस शॉर्ट से, जो कि 1 मिनट का शॉर्ट है, उससे मुझे 13 सब्सक्राइबर मिले हैं। उसके एनालिटिक्स में जाके मैंने देखा, तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी बना सकते हो, बस कॉन्टेंट अपना अच्छा रखो और डेडिकेशन दिखाओ। ये चीजें अगर आपने कर ली, जो आपके सब्सक्राइबर है वो डे बाय डे खुद ही इंक्रीज होने लग जाएंगे, आपको किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है और अब मैं आपको बताती हूँ मेरी सेकंड इनकम फ्रॉम यूट्यूब। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अक्टूबर एंड में मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया था, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ्स लगे मुझे $100 कंप्लीट करने में। तो 4 मंथ्स के बाद $108.93 जो थे वो मेरे गूगल एडसेंस के अकाउंट में आ गए थे, जो कि मार्च 21 को मेरे अकाउंट में उन्होंने भेज दिए थे और 24 को मुझे रिसीव हो गए थे। तो मार्च में $43.15 मेरे हुए, अप्रैल में $47.49 हुए और मई में $74.79 हुए। तो तीनों मिला के, यानी कि पहले मेरे 4 महीने लगे थे, तो अब 3 महीनों में ही मेरे $165.43 हो गए। 21 जून को गूगल एडसेंस ने मेरे अकाउंट में जो ये पेमेंट था $165.43 ये सेंड कर दिया था। तो जो मेरे अकाउंट में पहुंचा वो पहुंचा 24 जून को। तो आप देख सकते हो, मैं साइड में आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। तो बस दोस्तों, ये थी मेरी पेमेंट $165.43। मैंने आपको अमाउंट बता दिया है ये इंडियन रुपीज में। 100 रुपीज जो है वो टैक्स कट के, क्योंकि फॉरेन से ट्रांजेक्शन होती है, तो 100 रुपीज जो है वो टैक्स कट के मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड।